गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा 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 के बारे में आज मैं बताऊंगा। विधानसभा एक राज्य, जैसे राज्य है तो राज्य में एक विधानमंडल होता है। शासन को चलाने के लिए पहले हम जब पढ़ा रहे थे, हम आपको बता रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, तमाम खंड हमने बताया है, उसी से संविधान का निर्माण हुआ। तो उसमें एक केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार के अलावा एक राज्य की सरकार है जिसमें हम पूरे देश को प्रांत में बांट देते हैं। प्रांत में बांटने का मतलब है खंड खंड करके हम यह कहते हैं कि ये भारत का जो देश है यह प्रांतों का एक समूह है, जिसमें शासन जो है केंद्र और राज्य के स्तर पर चलता है। राज्य की अलग बात है, हमने संविधान में बांटा है, उनके पावर को अलग अलग कर दिया है। विधानसभा का अलग अलग क्षेत्र है और लोकसभा का अलग अलग क्षेत्र है। इसमें देख लीजिए, विधानसभा यह एक राज्य विधानमंडल, देख लो राज्य राज्य विधानमंडल, एक राज्य विधानमंडल है, इसका पार्ट है, पार्ट में बना है, पार्ट में एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। हमने यह आपको बताया कि राज्य विधानमंडल हर प्रदेश के लिए एक अलग शासन की व्यवस्था है जो कि प्रदेश के देख रेख करता है। राज्य विधानमंडल के लिए हम कहते हैं कि भाग 6 जो है संविधान का, संविधान में कितना है भाग 6 राज्य, इसको कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम राज्यों का संविधान। इसको हम इस भाग को कहते हैं राज्यों का संविधान कहते हैं। किसको? ये भाग 6 को। भारतीय संविधान में भाग 6 एक ऐसा भाग है जिसमें हम राज्यों के संविधान इसको कहते हैं और राज्यों के बारे में बात की जाती है। सारा राज्य का शासन जो है 168 से लेकर 212 अनुच्छेद 212 तक का विवरण जो है इसी में मिलता है। भाग 6 को हमने इस बात को कहा और कहा कि ये 168 से लेकर के जो है 212 ये अनुच्छेद जो है जिसमें संविधान में ये राज्य के बारे में बातें की गई है। और राज्य विधानमंडल हर प्रांत को चलाने के लिए है जिसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। इसमें 3 भाग है, इन तीनों भागों में आज हम बताएंगे विधानसभा, आज हम विधानसभा के बारे में बातें करेंगे। विधानसभा का जो गठन होता है, देखिए कुछ राज्यों में तो विधानसभा होता है केवल और राज्यपाल होता है, जहाँ एक सदन है। कुछ राज्यों में 2 सदनीय राज्य व्यवस्था चलती है और कुछ में जो है 1 सदन होता है। एक सदन के लिए हम कितने का प्रयोग करेंगे, एक सदन के लिए हम यह करते हैं राज्यपाल एक होगा और एक विधानसभा होगी। और जब हम
कुछ राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, उसमें ये तीनों होते हैं, ये राज्यपाल भी हो जाएगा, विधानसभा भी हो जाएगी और विधान परिषद भी। विधान परिषद का गठन उन राज्यों के सदस्यों, उन राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग, 1/3 जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, उसी को हम विधान परिषद के रूप में मान लेते हैं। चुनाव किया जाता है, वही सदस्य जो है चुनाव करते हैं और वही जो है, तो अभी तो हम इसको अगले बार बताएंगे अगले टॉपिक में, लेकिन इसमें देख लीजिए ये भाग वही है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, यदि यह विधानसभा यदि एक सदनात्मक है, एक सदन चलता होगा, तो उसमें केवल राज्यपाल होगा और उसमें विधानसभा होगी। विधानसभा और राज्यपाल के मिल करके जो है एक सदन चलती है, और जब जिस राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक सदन का नाम है विधानसभा, ये निम्न सदन है जिसको प्रथम सदन भी कहते हैं और निम्न सदन है, लेकिन ये सर्वेसर्वा होता है, इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, इसकी अपेक्षा इसकी शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके पास यह जो है द्विसदन नंबर के नंबर दो वाला है वह निम्न सदन है या उच्च सदन है, या प्रथम है या द्वितीय सदन है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जैसे लोकसभा में या लोकसभा और राज्यसभा की ये सीटों का ये शासन है, वैसा ही यहाँ पर ये है विधानसभा और विधान परिषद। विधान देख लो, विधान है, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, विधान विधान परिषद यही है, विधानसभा और विधान परिषद है। तो आज हम पढ़ाएंगे विधानसभा। इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 6 में यह राज्यों का संविधान होता है, तो कहने का मतलब यह है कि विधानसभा में देख लीजिए यह प्रत्येक राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें विधायी कार्य के लिए एक विधान मंडल होता है, एक विधान मंडल होता है, उस विधान मंडल में वह व्यवस्था होती है जो हमने अभी बताया है। तो इसमें जो है जो सदस्य आते हैं उनका जन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, चुनाव देख लीजिए प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष, पर समझ लीजिए इसको, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जो जनता स्वयं वोट डाल करके अपने वोट का मतदान करके सीधे सीधे चुन के उसको लाती है, चुनाव करती है, और अप्रत्यक्ष वह होता है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, अब उनके द्वारा जो चुनाव किया जाएगा है ना, जैसे विधान परिषद का चुनाव किया जाएगा या जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक ना, वही जो है अप्रत्यक्ष होता है, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वहीं आप किसी और पद के लिए चुनाव में वोट डालते हैं तो वह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष कौन है, जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। और कहने का मतलब यह है कि ये चुनाव तो समझ गए आप, देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या और एकदम किसी भी प्रदेश में वह सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह अधिक से अधिक कितना है, अधिक से अधिक कितना है 500,
और कम से कम 60, इससे कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 होनी चाहिए। जबकि कुछ राज्य अपवाद के रूप में हैं, उसमें अपवाद के रूप में देख लीजिए, अपवाद के रूप में सिक्किम, सिक्किम जो आपका प्रदेश है इसकी सीट कितनी है, 32 है, सिक्किम हो गया। और इसके बाद आपका अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की सीट कितनी है, 40 हो गई। गोवा है, गोवा की 40 है। और मिजोरम, मिजोरम की सीट 40 है। और केंद्र शासित में जो है ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी जहाँ पर भी विधानसभा है यहाँ भी सीट कितनी है, 30 है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों में दो प्रदेश के पास जो विधानसभा चलती है, विधानसभा का चुनाव होता है, उनकी सीटें निर्धारित हैं। और देखिए, कहने का मतलब अपवाद के रूप में जो है सीट में जैसे कहा गया है कि कम से कम विधानसभा की सीट 60 होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीटें कम हैं, ये अपवाद के रूप में है। जैसे में देखिए सिक्किम का 32 है और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 40 है, गोवा का 40 है, मिजोरम का 40 है और केंद्र शासित में पुदुचेरी का 30 है। कहने का मतलब यह है ये अपवाद के रूप में है, होना कितना चाहिए, होना चाहिए 60, कम से कम 60 जो है होना चाहिए। देख लीजिए ये सीटें ऐसे हैं, ये अपवाद के रूप में है। और देख लीजिए, कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उनके सीटों का बंटवारा, यहाँ पर यह बात कही गई है कि इसमें अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया था और 170 3 में, जैसे हमने बताया 170 के 3 में जो है हमने इस बात को बताया है कि जनसंख्या, जनसंख्या के रूप में इसमें यह बताया गया है कि जिस हिसाब से जनसंख्या है, कहा गया है कि जनगणना, जनगणना के अनुसार जो है सीटों का प्रावधान किया जाएगा। कम से कम 75,000 जनता पर, 75,000 वोट पर जो है एक सीट का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन नहीं, 84वें, किसमें, 84वें संविधान संशोधन में, 84वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी प्रदेश की जनगणना होने के बाद उसके जनगणना के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, सीट बढ़ेगी या घटेगी ना। और 2001 में के जनगणना के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से जो है कहा गया कि नहीं, परसीमन के हिसाब से, परसीमन जो है 2001 के अधिनियम के तहत परसीमन जो किया गया है और इसके अनुसार संविधान संशोधन में 2001 में यह परसीमन तथा 2026
26 तक जो है जो चला आ रहा है कौन सा 1971 की जो जनगणना में सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसी के हिसाब से जो है आज भी सीट बरकरार होगी। कब तक? 2026 तक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे 2026 तक। इसमें 84वें संविधान संशोधन में यह बता दिया गया कि परसीमन भी उसी के हिसाब से होगा, 2026 के बाद ही होगा। 2026 के बाद जो भी जनगणना की जाएगी या हुआ होगा उसके हिसाब से हम सीट का या परसीमन आरक्षण का जो है हम व्यवस्था बनाएंगे, इसमें बीच में कोई संशोधन नहीं करेंगे। यह जो है केंद्र सरकार का फरमान है, कहने का मतलब चुनाव निर्वाचन, इसमें विधानसभा में सीटों का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की सारी व्यवस्था, चुनाव की सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार अपने हिसाब से करती है ना। यहाँ का जो भी निर्वाचन आयुक्त जो प्रयुक्त करेगा या रखेगा प्रदेश में, वह सारा शासन जो है केंद्र का होता है, केंद्र के हिसाब से जो है चुनाव प्रक्रिया वो कराती है सरकार, वही होता है। आप देख लीजिए कुछ विधानसभा की सीटें इस प्रकार से हैं। कहने का मतलब यह है किसी भी व्यक्ति की इसमें योग्यता जो है, योग्यता का मतलब है कि वह देश का नागरिक हो, है ना। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधान सभा के सदस्यों की योग्यता, योग्यता में क्या है, यह जो है अनुच्छेद 173 के अनुसार, अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, योग्यताएं कर लीजिए, इसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट में है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, और नंबर टू पॉइंट में है वह व्यक्ति क्या करे 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर थर्ड पॉइंट में यह है कि वह केंद्र के द्वारा या विधानसभा के द्वारा जो कानून ना पूर्ण रूप से नियत रूप से बनाई गई है उसको फॉलो करता हो, और जो कानून है मतलब कि वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वह देशद्रोही ना हो, है ना। कहने का मतलब जो कानून सरकार ने बनाया है उसके तहत वह उसको फॉलो करता हो, यह इसकी योग्यता है। मेन पॉइंट देख लो, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरा करता हो, यह उसकी योग्यता हो गई। कहने का मतलब यह है यदि मान लीजिए बीच में विधानसभा केंद्र सरकार में कोई आपातकालीन घटना घट जाती है, आपातकालीन घटना के तहत जो है वह इसके कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ा दिया, विधानसभा के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने का उसको जो है यह प्रावधान है, ठीक है ना। 332 के तहत जो है उसको ये पावर दिया गया है कि वह जो है विधानसभा के आपात देश के आपातकाल में एक वर्ष उसको बढ़ा सकता है। अरे मान लीजिए कि बीच में कोई इस ढंग का प्रावधान हो गया कि नहीं आपातकाल हटा दिया गया, जब आपातकाल जब हटा दिया जाएगा तो उस समय वही 332 के तहत जो है वह अधिकतम 6 वर्षों तक जो है बढ़ा सकता है, 6 वर्षों के बाद जो है उस सरकार को गिरा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो उसको व्यवस्था दे दी गई है उस व्यवस्था को जो है
वह उतना तक करेगा। आपातकाल में उसे बढ़ाने का सरकार को आदेश का पालन करना है। वह एक वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकता है एक बार में, और यदि बीच में कोई प्रावधान यदि अचानक ये आपातकाल हट जाता है तो उसमें जो है वह सरकार अधिकतम 6 महीने तक जो है चल सकती है, उसके बाद वह जो है आपातकाल में बढ़ाया गया समय हटा दिया जाएगा। ठीक। और कहने का मतलब यह है कि विधानसभा की सीट देख लीजिए, अपने प्रदेशों के कितनी कितनी सीटें हैं, कैसे कैसे हैं, ये प्रावधान आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। विधानसभा विधानसभाओं सभाओं के नाम हो गया। पहले देख लो, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, इसकी सीट है 175। सदस्यों की संख्या, ये विधानसभा है, एक एक विधानसभा की सीट की हम बंटवारा करते जा रहे हैं, है ना। आ गया असम, मतलब असम कितना है 126। बिहार, बिहार कितना है 243 हो गया। बिहार के बाद गुजरात, गुजरात में 182 है हो गया। और हरियाणा, हरियाणा की सीट 90 है। पंजाब, पंजाब 117। उड़ीसा, उड़ीसा कितना है 143 ठीक ना, 143 है। इसी प्रकार से ये सब सीटें हैं, उड़ीसा हो गया, विधानसभा सदस्य संख्या, विधानसभा देखिए जम्मू कश्मीर, कहने के मतलब आज प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है लेकिन पहले था, यहाँ की सीट कितना है 76 है। आज ये सीटें 76 लेकिन पहले 100 थी, यहाँ की सीट 100 थी, जो और शेष जो 24 बच रहा है वह 24 जो विधानसभा का जो क्षेत्र है आज जो पाकिस्तान में वह कब्जा में है, आज पाकिस्तान में जो है क्या है कब्जे में, इसलिए जो है 76 सीटें हैं। आज इसको जम्मू कश्मीर को जो है वह केंद्र शासित बना दिया गया, दो खंडों में बांट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया और ये राज्य से ये हटा दिया गया है, राज्य से ये हटा दिया गया है। इसमें दो बन गया है, जम्मू कश्मीर और कौन है लद्दाख है, लद्दाख ये क्या है केंद्र शासित हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश ठीक ना, ये हो गया आपका। लेकिन पहले था यार उसमें सीट कितनी थी 76 थी। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान 200 है ना, राजस्थान हो गया और
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का है 294 और कर्नाटक, कर्नाटक का आपका हो गया 224। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या हो गया 234। और हो गया महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का 288। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है 403। सबसे अधिक सीट विधानसभा की किसी प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की है। जनसंख्या भी नंबर एक पर है, क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, लेकिन यह प्रदेश में सबसे अधिक संख्या कितनी है 403। सबसे कम किसका है, सिक्किम का, है ना, कितना है 32 है। सिक्किम लिखे नहीं ना, लिख देते हैं सिक्किम कितना है 32। सबसे हाईएस्ट ये है और सबसे कम ये है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये केंद्र शासित में जो है पुदुचेरी जो है सबसे कम में है 30 है, लेकिन विधानसभा में वह सबसे कम सिक्किम का है, ठीक है ना। और आगे देख लो, आगे में देखिए विधानसभा और ये हो गया सदस्य संख्या, संख्या हो गया विधानसभा में। आप आ जाएंगे गोवा, गोवा 40, मिजोरम 40 है ना, और अरुणाचल, अरुणाचल 40। और देखो मणिपुर, मणिपुर 60 है और मेघालय, मेघालय भी कितना है 60 है, और नागालैंड, नागालैंड भी 60 है, और त्रिपुरा, त्रिपुरा भी 60 है, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है आपका 90, और उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है आपका 70 है, और झारखंड, झारखंड जो है 81 है। कहने का मतलब ये है विधानसभा में जो सीट है तेलंगाना, तेलंगाना का जो है 119 है, ठीक है ना। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26। अभी कितना बच रहा है, 26 के बाद, हाँ 3 और बच रहा है, 3 में और कौन आ जाए। कहने का मतलब यही सब प्रदेश हैं। देखिए तेलंगाना 119 हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका 68 सीट है, हिमाचल प्रदेश हो गया। और केरल, केरल में 140 सीट है, केरल कितना है
140। एक बचा है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें जो है आपकी सीट जो है 230 है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रदेशों की हमारी सीट है। सीट का मतलब यह है सन 1971 जनगणना के हिसाब से, कहने का मतलब यह है कि 71 की जनगणना के हिसाब से जो सीट निर्धारित कर दी गई है ना, मतलब कम से कम कहा गया है कि 75,000 वोटर पर एक सदस्य बनेगा, एक सदस्य। तो उस समय जो जनसंख्या रही हो उसमें हम पूरी जनसंख्या में इससे भाग दे देंगे तो सीट की संख्या आ जाएगी, है ना। आज प्रेजेंट टाइम में जितने भी जनसंख्या बढ़ गई हो, कुछ भी हो, आज हम उस हिसाब से जो सीट हमें प्राप्त है उस सीट के हिसाब से हम सीट उस पूरी जनसंख्या में हम सीट का भाग दे देते हैं तो वोट आ जाएगा कि कितना वोट आप पर जो है एक सदस्य पर पड़ता है। वहीं उसका परिसीमन के तहत जो है 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत जो है परिसीमन का गठन किया गया। तो कहा गया है कि यह तब तक चलेगा, कब तक, 2026 तक में कोई परिवर्तन न तो सीट में किया जाएगा और न ही आरक्षण में किया जाएगा, है ना, कि यह अनुसूचित जनजाति की सीट है और यह जो है किसकी है, यह जनजाति की है और अनुसूचित जाति की है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हमारा यह है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या ये हो गई, आप देख ही लिए, और अब इस ये विधानमंडल, ये विधानसभा चलेगी कैसे, ये विधानसभा कैसे चलेगी, अब इसके लिए जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, है ना, विधानसभा का अध्यक्ष छोड़ना होगा। देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो है का चुनाव करेंगे और उपाध्यक्ष, एक नंबर दो नंबर उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जैसे लोकसभा में होता है अध्यक्ष जो अध्यक्षता करता है किसी भी सभा का, है ना, किसी भी सभा का जो है अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और इसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष देखता है। और जब यह जो है हम मुक्त होना चाहते हैं, पदमुक्त होना चाहते हैं, हम अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा। मान लीजिए किसी भी समय ये दोनों अनुपस्थित हैं, नहीं है विधानसभा में, नहीं भी हैं, तो हम उसी में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को जो है इस पद पर मनोनीत करके हम उस कार्यवाही का को जो है कार्यकाल पूरा करेंगे। ये इसका शासन चलाने की ये बागडोर है, ऐसे तरीका है यह, यही कानून जो है विधानसभा के लिए दिया गया कि हर प्रांत में, हर प्रांत के लिए विधानमंडल होगा और विधानमंडल में यदि उसमें द्विसदनात्मक है तो राज्यपाल के साथ विधानसभा और विधान परिषद होगा, यदि एक सदनात्मक है तो उसमें जो है एक राज्यपाल होगा शासन में और एक जो है विधानसभा होगा। इस तरीके से जो है यह आपका विधानसभा लगभग लगभग समाप्त हो गया है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही तरीके से कई बार यदि देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपने बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।